Mughal Road, which connects Shopian with Rajouri and Poonch, have been closed since November 2019 and has not been resumed for the general public till now. A protest was organized demanding opening of the Mughal Road as soon as possible. The protesters added, only 2 months having left for vehicular movement as the road witnesses heavy snowfall and used to remain closed from November. The protesters said that the government has resumed air traffic as well as National Highway 44, but why Mughal Road is still closed for general vehicular movements. A report by Sarir Dar for the Kashmir Standard. हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं मेहरबानी और मेहरबानी करके इन लोगों को पीर की गली तक इजाज़त दी जाए और इन लोगों को परमिशन दी जाए। अभी यहाँ पे 20 से 25 दिन अभी यहाँ पे बर्फ़ पड़ने वाली है। मेहरबानी और मेहरबानी करके इन लोगों को इजाज़त दो। अगर इन लोगों को इजाज़त नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगा, हम 2 दिन की मोहलत देते हैं और 2 दिन के बाद हम पूरा चक्का जाम करेंगे। यहाँ से किसी गाड़ी को इजाज़त नहीं देंगे। हमारा शोपियां डिस्ट्रिक्ट, यहाँ की जो आबे हवा है ये बहुत अच्छी है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश करते हैं मेहरबानी और मेहरबानी करके हम लोगों को तंग मत करो। 10 से 15 दिन हो गए हमें DC ऑफिस के दरवाजे खटाए हमने और DC साहब ने हमें इजाज़त नहीं वहाँ जाने दिया। मेहरबानी और मेहरबानी करके गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं, मगर रोड तो खोल दिया। मगर रोड तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, इसकी जो है क्यादत की है, तो ये रोड खोला गया। आज अगर ये बंद है, ये कहीं किसी कारण की वजह से बंद है, बट अभी जो 84 करोड़ रुपया इसके लिए जो काम के लिए आगे रिलीज हो गए हैं, विद इन ए डेज मुझे लगता है कि मगर रोड खुलेगा और यहाँ शिपिंग के लोगों को राहत मिलेगी।